हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है कंटिन्यूएशन ऑफ द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट टू है ये। पार्ट वन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने टिश्यूज को देखा, टिश्यू के टाइप्स को देखा, और इसके अलावा कुछ जंक्शंस के बारे में हमने बात की थी। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आगे की चीज़ों को समझने के लिए आप पहला वीडियो भी देखिए और उसके बाद में इन चीज़ों को समझिए। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस पार्ट में, वो टॉपिक होगा एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज। इन एन एपिथेलियल टिश्यू मेनी सेल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? आउटर एपिडर्मिस या हमारे स्किन की सरफेस बनाने वाला टिश्यू होता है, और इसकी सेल्स जो होती हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, बहुत ही एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होंगी कि इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। आप अपने स्किन के सेल्स को देखिए कितनी टाइटली पैक्ड हैं, इसमें कोई भी विद लिटिल और नो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता है। जबकि बात करें वेयर एज इन अ कनेक्टिव टिश्यू अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेपरेट्स सेल्स दैट आर यूजुअली वाइडली स्कैटर्ड। अभी बात की हमने एपिथेलियल टिश्यूज की, हमारे स्किन के सेल्स की, लेकिन क्या हो जब आप ब्लड की सेल्स को देखें, क्या ऐसा होता है कि वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड हो? नहीं, सेल्स तो बहुत होती हैं ब्लड में, लेकिन वो सारी अलग अलग होती हैं, उनके बीच में बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इनकी जो सेल्स होती हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इन सेल्स को सेपरेट करता है, और ये सेल्स जो होती हैं ये वाइडली स्कैटर्ड होती हैं, अलग अलग जगह पे पड़ी होती हैं। यहाँ देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है एपिथेलियल टिश्यू विद मेनी सेल्स टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड लिटिल टू नो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देखिए सेल्स कितनी पास पास में हैं और कितना टाइटली पैक्ड हैं, लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें कितनी दूर दूर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं, और इनमें बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं विद अ फ्यू स्कैटर्ड सेल्स, बहुत कम ही सेल्स हैं, इधर उधर ही पड़ी हुई हैं सारी, सराउंडेड बाई लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है। अगला पॉइंट है मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन एन एपिथेलियल टिश्यू एंड अ कनेक्टिव टिश्यू आर इमीडिएटली ऑब्वियस अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। जो भी डिफरेंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू में, आप लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत इजीली, इसके यूज से बहुत इजीली दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप यहाँ इमेज में ही देखिए माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं, जिनमें कि बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कौन सा एपिथेलियल है और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनके। The second obvious difference is that an epithelial tissue has no blood vessels. Epithelial tissues में blood vessels नहीं हैं, whereas most connective tissues have a significant network of blood vessels. जो ये connective tissues होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा network होता है blood vessels का, क्योंकि इनको बहुत आगे तक जाके सप्लाई करनी होती है, बहुत आगे तक चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, इसके लिए इनके पास में ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए।
इसलिए इनके पास में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अनदर की डिफरेंस इज दैट एपिथेलियल टिश्यू ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉर्म्स सरफेस लेयर्स। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ज़्यादातर, हमेशा नहीं कह सकते, ज़्यादातर ये सरफेस लेयर्स को फॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि ये डक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, बॉडी कैविटीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो होता है सरफेस लेयर के फॉर्मेशन में एंड इज नॉट कवर्ड बाई अनदर टिश्यू। अब आपकी स्किन के ऊपर क्या कोई दूसरा सेल प्रेजेंट है, कोई दूसरी लेयर है? नहीं, स्किन के ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, इसलिए किसी भी अगली लेयर से ये किसी दूसरे टिश्यू से कवर्ड नहीं होते। तो चलिए, अभी हमने देखा एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, अब डिटेल में देखते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू को, वो टिश्यू जो कि हमारी सरफेस लेयर को बना रहा है, जो स्किन को बना रहा है। एपिथेलियल टिश्यू, एन एपिथेलियल टिश्यू, और इसी को एपिथीलियम भी बोला जाता है, और अगर प्लूरल की बात करें तो इसी को बोला जाता है एपिथीलिया। ये देखिए कितने सिनोनिमस नेम्स हैं, और इनमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन अगर एपिथीलियम पूछा जाए तो आप कुछ और आंसर करें, एपिथीलिया पूछा जाए तो कुछ और आंसर करें, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही एक के ही नाम है। लेकिन जब सिंगुलर की बात होती है तो हम इसे एपिथीलियम बोलते हैं, और प्लूरल के केस में इसको एपिथीलिया बोला जाता है। सो दिस एपिथीलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन कंटिन्यूअस शीथ। देखिए कंटिन्यूअस शीथ ही तो होती है, स्किन पे आप देखेंगे तो एक स्मूथ लेयर मिलती है, ऐसा तो नहीं होता कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कुछ उभार बने हैं कुछ नॉर्मल है, सारा ही प्लेन है ना। और होता कैसा है, इन आइदर सिंगल और मल्टीपल लेयर्स। लेयर हो सकती हैं कि किसी में से एक सिंगल लेयर है, किसी में मल्टीपल लेयर है। बिकॉज दी सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ही क्लोज सेल्स पैकिंग होती है, एंड आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाई मेनी सेल जंक्शंस, देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये बहुत पास पास में होती हैं और बहुत सारे सेल जंक्शंस से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। अब बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, सो एपिथेलियल टिश्यू में वी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम, वो एपिथेलियम जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कवरिंग के लिए यूज हो रहा है। ये जो कवरिंग वाला एपिथेलियम होता है फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन, ये स्किन के बाहर के लेयर को बनाता है, एंड सम इंटरनल ऑर्गन्स, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को भी बना लेता है। लेकिन जो अगला टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मेक्स अप सिक्रीटिंग पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स होती हैं, हमने बहुत तरीके की ग्लैंड्स देखे, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, इनमें क्या होता है, इनमें सिक्रीशंस ही तो होते हैं, और जो सिक्रीशन करने वाला पोर्शन होता है वो भी इसी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे कि थायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट क्या होता है, पसीने वाली ग्लैंड्स। तो देखिएगा दो तरीके के आपने यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज देख लिए, जो कि कवरिंग बनाते हैं, लाइनिंग बनाते हैं, और दूसरे वो जो कि कैविटी या डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायग्राम में दिखाया गया है एक टिश्यू का स्ट्रक्चर, ये बेसल सरफेस है और ये बेसल लैमिना है, ये अंदर से कनेक्टिव टिश्यूज भी यहाँ से अटैच्ड हैं, और ये जो बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना, दो तरीके की लैमिना है, इसी को बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एपिथीलियम है, ये सेल्स एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं।
ये सेल्स का एपिकल सरफेस है, एपिकल का मतलब होता है ऊपर वाला सरफेस जो कि फ्री होता है, और ये लैटरल सरफेस वो होता है जो कि जिस सरफेस के द्वारा सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। When we combine the two characteristics, arrangement of layers and cell shape, जब हम सेल के अरेंजमेंट को और सेल के शेप को एक साथ में लेते हैं, then we come up with the following types of epithelial tissue. तो हमें कुछ इस प्रकार epithelial tissues मिलते हैं। सबसे पहला simple epithelium और दूसरा stratified epithelium। ये दो प्रकार के एपिथीलियम देखे जाते हैं। अब ये दोनों ही प्रकार के एपिथीलियम के भी और भी प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम के टाइप्स होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम। अब कॉलमनर एपिथीलियम में भी दो टाइप होते हैं, नॉन सीलिएटेड एंड सीलिएटेड एपिथीलियम। अगला है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम, इसके भी दो टाइप होते हैं, नॉन सीलिएटेड एंड सीलिएटेड। अगला आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम के भी कुछ टाइप्स होते हैं, पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, इसके एग्जांपल्स हैं केराटिनाइज्ड व्हेन सरफेस सेल्स आर डेड एंड बिकम हार्डेंड एंड नॉन केराटिनाइज्ड व्हेन सरफेस सेल्स रिमेन अलाइव। केराटिनाइज्ड डेड क्यों होती हैं, देखिए आपने अपने नेल्स को कभी काटा है क्या, आपको दर्द होता है? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जब अंदर वाले पोर्शन को काटते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, जो केराटिनाइज्ड पोर्शन जो बाहर वाला होता है, आप हेयर कटवाते हैं दर्द होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो सरफेस सेल्स डेड होती हैं। लेकिन दूसरी भी सेल्स होती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम की ही बात कर रहे हैं, पहला टाइप है केराटिनाइज्ड, दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। तो जो नॉन केराटिनाइज्ड होता है वो जो कि सेल्स अलाइव होती हैं, जैसे कि नेल्स के अंदर का अगर आप पार्ट काटिए तो आपको पेन होगा क्योंकि वहाँ पे लाइव सेल्स प्रेजेंट है। अगला टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम एंड लास्ट ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं एपिथीलियल टिश्यूज के। ये आप देख सकते हैं दो बेस पे हमने डिवाइड किया था, अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स पे और सेल के शेप पे। तो देखिए लेयर के अरेंजमेंट पे हैं सिंपल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में देखिए सिंपल लेयर है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में सेल्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड के केस में देखिए कैसे सेल्स एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई हैं। दूसरा है सेल के शेप के बेस पे स्क्वैमस एपिथीलियम। देखिए सिंपल एक लेयर है, सिंगल लेयर सेल्स की। लेकिन अगर क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बात करें तो क्यूब के शेप में अरेंज्ड, क्यूब कैसा होता है? कुछ इस तरीके का शेप होता है क्यूब का। तो इसी क्यूब की तरह ही तो अरेंज है यहाँ पे सेल्स, देख सकते हैं आप कुछ यही स्ट्रक्चर आ रहा है, इसलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथीलियम बोला जाता है। अगला है कॉलमनर एपिथीलियम। तो इन्हें कॉलमनर एपिथीलियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल्स कॉलम के फॉर्म में अरेंज हैं, कुछ इस तरीके से कॉलम्स बना रखे हैं सेल्स ने, इसलिए इनको कॉलमनर एपिथीलियम बोला जा रहा है।
तो चलिए हमने जो एपिथीलियम थी जो कि सरफेस की लाइनिंग करने वाली थी उनके बारे में देख लिया। इनके शेप से ही क्वेश्चन आता है और इसके अलावा इनके एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं। अगला है ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो कि ग्लैंड बनाएंगी, डक्ट बनाएंगी, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन करेंगी। सो द फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथीलियम इज सिक्रीशन। ग्लैंडुलर एपिथीलियम का फंक्शन होता है सिक्रीट करना चीज़ों को, विच इज accomplished by ग्लैंडुलर सेल्स दैट often lie in cluster deep to the covering and lining epithelium। ये जो सिक्रीशन की प्रोसेस होती है ये accomplish की जाती है ग्लैंडुलर सेल्स के द्वारा, जो कि एक दूसरे के साथ में एक क्लस्टर के फॉर्म में होती हैं और जो एपिथीलियम जो लेयर है, लाइनिंग है, उन्हीं में उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अ ग्लैंड मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जो ग्लैंड हैं ये एक सिंगल सेल की भी बनी हो सकती हैं, यूनिसेलुलर, या बहुत सारी सेल्स की भी बनी हुई हो सकती हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और ये करती क्या हैं, दैट सीक्रेट सब्सटेंसेस इनटू डक्ट, डक्ट में या ट्यूब्स में बोल सकते हैं हम, ये अपने सीक्रीशंस को डाल देती हैं, पोर कर देती हैं ऑनटू अ सरफेस और इनटू द ब्लड इन द एब्सेंस ऑफ डक्ट। अब या तो ट्यूब्स में या सरफेस पे करेंगी। अब अगर कुछ भी नहीं है तो अगर एब्सेंस है डक्ट की तो ब्लड में ही सीक्रीशन को ये पोर कर देती हैं। All glands of the body are classified as either endocrine or exocrine। ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकती हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। The secretions of endocrine glands called hormones। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है, या हम कह सकते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। अब ये जो सिक्रीटेड हार्मोन्स हैं ये करते क्या हैं, ये इंटर करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंड उसके बाद में ये डिफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट फ्लोइंग थ्रू अ डक्ट। ये डायरेक्टली ब्लड में पहुंचते हैं और किसी डक्ट में नहीं होते हैं, सीधे ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे इनको पहुंचा दिया जाता है। तो इनका ट्रांसपोर्ट ब्लड से ही हो जाता है, इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं हो सकती, इनको कोई भी ट्यूब नहीं चाहिए होती है जो इनको लेके जाए एक जगह से दूसरी जगह। इनको डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया गया और ब्लड के साथ ही ये चारों तरफ घूम घूम के फैल जाती हैं, हर जगह जहाँ इनको पहुँचना रहता है वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अगला आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनका सिक्रीशन किसी ना किसी ट्यूब में या डक्ट में डाला जाता है। कोई भी ट्यूब है इसमें इनको सिक्रीट कर दिया जाएगा और इसके माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचेंगी। सो द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू डक्ट। डक्ट में या ट्यूब में अपने प्रोडक्ट को ये सिक्रीट कर देंगी। दैट इम्पटी ऑन टू द सरफेस ऑफ कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथीलियम। अब ये क्या होता है, ये ट्यूब तो जा रही है, ट्यूब कहाँ जाएगी, किसी भी सरफेस पे जहाँ इसको जाना है ये उस सरफेस पे पहुँचेगी, ये कोई भी सरफेस और यहाँ से जो ये लेके आई है इस सरफेस पे डाल देगी, एक्सक्रीट कर देगी या सिक्रीट कर देगी। अब सरफेस कौन सी होती है जहाँ पे ये अपने सिक्रीशन को डाल सकती हैं, वो सरफेस होती है स्किन सरफेस और द ल्यूमेन ऑफ अ हॉलो ऑर्गन। या तो ये सरफेस पे स्किन की सरफेस पे डाल सकती हैं या किसी भी हॉलो ऑर्गन में डाल सकती हैं, उसके ल्यूमेन में जाके पोर कर देती हैं सिक्रीशंस को विद द हेल्प ऑफ डक्ट। अगला पॉइंट है
The secretions of the exocrine glands have limited effect. इनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है. जितना फंक्शन इनको यहाँ पे करना है उतना ही लिमिटेड फंक्शन करके ये चली जाएंगी. एंड सम ऑफ देम वुड बी हार्मफुल इफ दे एंटर्ड द ब्लड स्ट्रीम. देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये एक तो डक्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं, दूसरे इनका हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है कि अगर ये ब्लड में पहुँच गई तो इनके सिक्रीशन को सरफेस में ही रखना होता है. ऐसा नहीं है कि इनको सरफेस के बाहर पहुंचा दिया गया. अगर ये सरफेस से बाहर पहुंच जाती हैं, अगर ये गलती से ब्लड में पहुंच गई तो हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन ये हार्मफुल हो सकता है कुछ केसेस में कि ब्लड स्ट्रीम में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का प्रोडक्ट इंटर कर गया. क्योंकि ब्लड स्ट्रीम से हम जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट ट्रैवल करते हैं. As you will learn later in text, some glands of the body such as the pancreas, ovaries and testes are mixed gland. अब ये कौन सी नई gland आ गई? हमने तो endocrine और exocrine ही पढ़ी थी. जी नहीं, तीसरी gland भी होती है, उसको mixed gland बोला जाता है. Mixed क्यों? ये जो glands होती हैं इनमें endocrine और exocrine दोनों ही part present होते हैं. इनका जो सिक्रीशन है ये डक्ट के माध्यम से भी ट्रैवल कर सकता है, इसके साथ ही साथ ब्लड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है. इसीलिए इनको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि दैट कंटेन बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टिश्यू. दोनों ही प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. और एग्जांपल क्या है, ये बहुत ही कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, पैनक्रियाज कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? अब बताइए आप लोग ये कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? अब आप बोलेंगे मैडम ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही हैं, पैनक्रियास तो मिक्स्ड ग्लैंड है. जी हाँ बिल्कुल सही बताया आपने. इसके अलावा पैनक्रियास के अलावा ओवेरीज एंड टेस्टिस ये भी मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं. इनमें भी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ही पोर्शन प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं. यूनिसेलुलर का मतलब कि सिर्फ एक ही सेल है, सिर्फ एक ही सेल ग्लैंड की तरह काम कर रही है, या फिर मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल्स एक साथ में फंक्शन कर रही हैं. The functional classification of exocrine glands is based on how their secretions are released. जो function होता है, जो classification किया जाता है exocrine glands का, ये depend करता है कि उनके secretions कैसे released हो रहे हैं. ये भी एक important part है, क्योंकि इससे भी अक्सर questions आते हैं, क्योंकि आपको directly नाम दे देगा और पूछ लेगा ये कौन सा gland है, इसका secretion ऐसा है तो ये कौन सा, मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो इसी बेस पे है कि उनका सिक्रीशन कैसे हो रहा है, कैसे वो अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं. तो गाइस ये एक बड़ा पार्ट है, तो इस लेक्चर में मैं इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ उसको, उसको हम लोग अगले ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो चलिए थैंक यू वेरी मच, इतना ही आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ITLS Academy की वेबसाइट पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप विजिट करिए वेबसाइट को और ज्वाइन करिए वो कोर्स, वो ट्रेनिंग कोर्स जिसमें आप एंटर करना चाहते हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं. इसके अलावा आप फॉलो करिए ITLS Academy को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा. So thank you very much everyone. Thank you for watching this session. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone.